नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड-19 के मिले 6000 से ज्यादा मामले। बिहार के लिए 7 रेलवे स्टेशन होंगे वर्ल्ड क्लास। अपने तय तारीख पर ही होगी इंटर की परीक्षा। बिहार में सख्ती के बीच मनेगा मकर संक्रांति का पर्व। पेंशनधारियों को केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने निकाली रिक्तियां। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 10 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रेडियो कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bsnl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 6000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6393 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 31374 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 59, अरवल में 42, औरंगाबाद में 90, बांका में 52, बेगूसराय में 209, भागलपुर में 273, भोजपुर में 88, बक्सर में 88, दरभंगा में 187, ईस्ट चंपारण में 102, गया में 179, गोपालगंज में 47, जमुई में 133, जहानाबाद में 49, कैमूर में 70, कटिहार में 96, खगड़िया में 47, किशनगंज में 79, लखीसराय में 62, मधेपुरा में 118, मधुबनी में 76, मुंगेर में 191, मुजफ्फरपुर में 192, नालंदा में 215, नवादा में 44, पटना में 2275, पूर्णिया में 128, रोहतास में 79, सहरसा में 256, समस्तीपुर में 162, सारण में 192, शेखपुरा में 13, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 57, सिवान में 107, सुपौल में 51, वैशाली में 118, वेस्ट चंपारण में 96 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए 66 सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 182377 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 3671 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के यह 7 रेलवे स्टेशन होंगे वर्ल्ड क्लास। बिहार में रेलवे सुविधाओं के विस्तार की तैयारी हो रही है। इसी के तहत प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का रूप दिए जाने को लेकर योजना बनाई गई है, जिसके तहत जल्द ही गया राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, दरभंगा और बरौनी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार के इन 7 स्टेशनों के अलावा झारखंड का धनबाद और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी इस योजना में शामिल है। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत कुल 10 स्टेशन विश्व स्तरीय होंगे। कुछ स्टेशनों पर काम की शुरुआत भी हो गई है, जिसके तहत पहले से ही गया राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की जा चुकी है। अपने तय समय पर ही होगी इंटर की परीक्षा। बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भी बोर्ड परीक्षाओं पर किसी तरह का ग्रहण नहीं लगने वाला है। इसके तहत इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 अपने नियत समय 1 फरवरी से ही होगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा भी अपने निर्धारित समय पर ही ली जाएगी। आपको बता दें, इंटर परीक्षा के बाद मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा होगी। हालांकि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बात की जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर भी मंत्री ने कहा है कि 6ठे चरण के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियोजन शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 17 जनवरी से तीसरे फेज की काउंसलिंग की जाएगी। वहीं 6ठे चरण की समाप्ति के बाद 7वें चरण की बहाली मार्च के पहले हफ्ते में शुरू करने का लक्ष्य भी शिक्षा विभाग ने रखा है। के सभी 66 राजकीय शिक्षक शिक्षा संस्थान तकनीकी रूप से होंगे उन्नत। बिहार के सभी 66 राजकीय शिक्षक शिक्षा संस्थानों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का काम किया जाना है, जिसके तहत सभी PTEC, डाइट, बाइट और शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में जीवंत IT रूम की स्थापना होने वाली है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है और इसमें राज्य सरकार के शोध और प्रशिक्षण निदेशालय की देखरेख में तेजी से काम में लिया जा रहा है। इस बाबत शोध प्रशिक्षण निदेशक डॉ. विनोदानंद झा ने बताया कि सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में जागृत IT रूम की स्थापना की जा रही है। इसके तहत सभी संस्थानों के 80 रूम में 40 से ज्यादा कंप्यूटर लगाए गए हैं, जो कि वाईफाई कनेक्शन से युक्त हैं। 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में ठंड की मार झेल रहे लोगों को बारिश की मार भी झेलनी पड़ रही है। कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ ओले गिरने की घटना भी हुई है, जिससे फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश के कारण कंपकपी भी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे बारिश के लिहाज से भारी रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बिहार और इसके आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार
और उत्तर मध्य भाग के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम स्तर की बारिश के आसार है। बिहार में सख्ती के बीच मनेगा मकर संक्रांति का पर्व। सूबे बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व मकर संक्रांति इस बार पाबंदियों के बीच मनाया जाना है। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार सभी जिलों के अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत मकर संक्रांति के मौके पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत गंगा समेत अन्य नदियों पर भीड़भाड़ न लगने की अपील भी की गई और लोगों को सुरक्षा के साथ अपने अपने घरों में ही त्यौहार मनाने की अपील की गई है। बिहार के ढाई दर्जन से अधिक सीओ पर होगी कार्रवाई। बिहार के ढाई दर्जन से अधिक सीओ पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने साफ कर दिया है कि खराब काम करने वालों को दंड और बेहतर काम करने वालों को पुरस्कार देने की नीति अगले वित्तीय वर्ष में जारी रहेगी। इस नीति की शुरुआत चालू वित्तीय वर्ष से ही कर दी गई है। इसको लेकर बीते दिन उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है और कहा है कि दंड के कुछ मामले लंबित है, कोशिश होगी कि प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त से मिली शिकायतों के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। इन दोनों अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डेढ़ दर्जन से अधिक अधिकारियों को दंडित किया गया है। इन अधिकारियों को आर्थिक दंड के तौर पर वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। बाल हृदय योजना के तहत 19 बच्चे सर्जरी के लिए भेजे गए अहमदाबाद। बिहार सरकार बाल हृदय योजना के तहत जन्म से हृदय की समस्या से जूझ रहे बच्चों के इलाज का जिम्मा उठा रही है। इसी के तहत अब तक बिहार सरकार कई बच्चों का इलाज भी करवा चुकी है। वहीं बीते दिन बाल हृदय योजना के तहत सप्ताह भर के अंदर राज्य के विभिन्न जिलों से चिन्हित 19 दिल में छेद वाले बच्चों को मुफ्त सर्जरी के लिए अहमदाबाद भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इसको लेकर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग की योजना बच्चों को नया जीवनदान तो दे रही है, साथ ही उनके परिवार में एक नई उम्मीद भी जगा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक 286 बच्चे भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 219 का सफल ऑपरेशन भी हो गया है। प्रवेश पत्र पर फोटो में किसी तरह की गलती होने पर आधार कार्ड से भी परीक्षा हॉल में मिल सकती है एंट्री। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा समय पर लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही इंटर की परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि इन सबके बीच बिहार बोर्ड की तरफ से बड़ी जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत साफ किया गया है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए जिस तरीके से एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी, ठीक उसी तरह अब आधार कार्ड की मदद से भी छात्र परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में अगर किसी भी छात्र के प्रवेश पत्र पर फोटो में किसी तरह की गलती होगी तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी हाल में बिहार में परीक्षा हॉल में जाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए बस परीक्षार्थियों को केंद्र पर अपने साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड आदि साथ रखना होगा, जिसको देखकर वहां पर प्रवेश लिया जा सकता है, जिसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी केंद्रों को दे दी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना महामारी की तीसरी लहर बिहार के सियासी महकमे के कई दिग्गजों को प्रभावित कर रही है और इसी क्रम में एक और नाम बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का भी जुड़ गया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर हाल ही में आई और अब अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ट्वीट करके खुद के संक्रमित होने की बात कही है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी जांच करवाई है, जिसमें उनकी और उनके निजी सहायक की कोरोना जांच से संबंधित रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान उन्होंने जानकारी मिलते ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, साथ ही संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने और सभी से कोविड अनुकूल व्यवहार रखने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको सतर्क और सावधान रहकर इस महायुद्ध से विजय प्राप्त करेंगे। राज्य के 77 पुलिस अधिकारियों को अगले 10 साल तक थाना से दूर रहने की मिली सजा। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत कानून तोड़ने वाले लोगों के साथ ही साथ इनमें संलिप्त पुलिसकर्मियों को भी सजा दी जा रही है। इसके तहत बिहार पुलिस और मध्य निषेध विभाग द्वारा पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 77 पुलिसकर्मियों को अगले 10 साल तक पुलिस थाने में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार शराबबंदी कानून के शुरू होने वाले साल 2016 से लेकर बीते साल 2021 तक राज्य के 28 जिले के 77 पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। इन पर आरोप है कि शराबबंदी कानून के तहत उन्होंने कहीं न कहीं शराब माफियाओं को मदद पहुंचाने की कोशिश की है, साथ ही काम में लापरवाही की वजह से भी यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अगले 10 सालों तक इन पुलिसकर्मियों को थाना नसीब नहीं होगा। बिहार में नहीं होगी यूरिया की कमी। बिहार के किसानों को यूरिया की अनुपलब्धता से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में यूरिया की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने दिसंबर में ही सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बात की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार में उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाते हुए प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति का आश्वासन दिया है। वहीं फिलहाल जिन जिलों में यूरिया की कमी है वहां 5 रैक खाद रोज पहुंचाया जा रहा है। इस महीने यूरिया की 2.20 लाख टन की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 1.12 लाख टन की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार विशेष कार्रवाई भी कर रही है, जिसके तहत उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
मुखिया और सरपंच की अब नहीं चलेगी धौंस। बिहार पंचायती राज विभाग ने मुखिया और सरपंच को लेकर बीते दिन बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके तहत अब मुखिया पति और सरपंच पति की मनमानी नहीं चलने वाली है। महिला जनप्रतिनिधियों को खुद ही बैठकों में शामिल होना होगा, यानी कि बैठक या अन्य कार्यों में महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि साफ है कि उनकी जगह पर अब उनके पति, पुत्र या रिश्तेदार को शामिल होने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दे दिए हैं, जिसकी जानकारी पंचायती राज विभाग ने खुद दी है। जिसके तहत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों की जगह को अगर कोई अन्य कार्य में उनकी जगह उनके रिश्तेदार को शामिल होने जैसी कोई भी शिकायत सामने आई तो कार्रवाई तय है। बिहार के अधिकारियों के वेतन पर लग सकता है ब्रेक। बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक वार्निंग आई है, जिसे न मानने पर उनकी सैलरी रुक सकती है। दरअसल बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार कैडर के सभी आईपीएस अधिकारियों को 15 फरवरी तक उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी आईपीएस अधिकारियों को 31 दिसंबर 2021 के आधार पर संपत्ति की जानकारी देनी है, जिसको बिहार सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक तौर पर जारी किया जाएगा। जो अधिकारी 15 फरवरी से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपेंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा तक दर्ज हो सकता है। साथ ही ऐसे अधिकारियों की सैलरी भी रुक जाएगी। आपको बताते चले कि संपत्ति और दायित्व का विवरण जमा करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट फॉर्मेट उपलब्ध है, वहीं मार्च में ये जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। पटना में नालों के ऊपर बनेगी सड़क। बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना में एक पंथ दो कॉज वाले काम किए जा रहे हैं। इसके तहत नालों को ढकने के साथ साथ उसके ऊपर सड़क निर्माण कराया जा रहा है। अब इसकी मांग राजधानी पटना के प्रमुख जगहों पर भी होने लगी है। बताते चले कि कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार की पहल पर पटना के मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ था। वहीं उससे पहले आशियाना दीघा रोड में भी नाले को ढककर सड़क बनाई जा चुकी है, जिसके बाद इसके सकारात्मक परिणाम भी देखते हुए अब कई और नालों को ढककर सड़क बनाने की मांग उठी है, जिससे ज्यादा रास्ते का नेटवर्क उपलब्ध होगा और ट्रैफिक के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। इसके तहत बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंदिरी नाला पर सड़क का निर्माण होने से इनकम टैक्स कोलंबर से लेकर काली मंदिर तक एक नया रास्ता लोगों को मिलेगा। साथ ही पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजीव नगर में बाबा चौक से अटल पथ पर नाले पर सड़क बनाने की भी तैयारी है। ब्रह्मदेव मंडल ने वैक्सीन की 12 नहीं 8 डोज ली। बिहार में अचानक से सुर्खियों में आए 84 वर्षीय बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल ने कोरोना वैक्सीन की 12 डोज नहीं बल्कि 8 डोज ली है। बताते चले कि मधेपुरा निवासी बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल ने वैक्सीन की 12 डोज लेने का दावा किया था, जिसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। वहीं अब उनकी जांच कराने के बाद उनकी रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ है कि उन्होंने एक ही आधार और मोबाइल नंबर पर कोविशील्ड की 8 डोज लगवाई थी। वैक्सीन सर्टिफिकेट के अनुसार इन टीकों को 13 मार्च से 7 नवंबर 2021 के बीच लिया गया है। साथ ही 13 अप्रैल 2021 को एक ही दिन 2 डोज लेने का खुलासा हुआ है, जिस पर जांच अधिकारी भी हैरान हो गए। पेंशनधारियों को केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने देश के पेंशनर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन लेने वाले लोग अपने जीवन प्रमाण पत्र को कुछ दिन बाद नहीं जमा कर सकते हैं। ऐसे लोग अब 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक या पेंशन एजेंसी में जमा करा सकते हैं। बताते चले कि देश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दी गई है। आपको बता दें कि बिना रुकावट पेंशन पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, लेकिन महामारी को देखते हुए इसकी डेडलाइन अभी तक 2 बार बढ़ाई गई है। साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा पर भाजपा अध्यक्ष ने दर्ज कराया केस। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा पर पटना कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। आपको बताते चले कि साहित्यकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने द्वारा लिखी एक किताब में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है, जिसके बाद से बिहार की सियासत गरमा उठी है। खासकर इस मुद्दे पर राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा अपने विकिपीडिया पेज पर अपने आप को भाजपा कल्चरल सेल का नेशनल कन्वेनर और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का उपाध्यक्ष बता रहे हैं। इस मुद्दे पर जदयू ने साहित्यकार को भाजपा का नेता बताते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल उनके भाजपा के साथ संबंध होने की बात को गलत बता रहे हैं। यूपी चुनाव के लिए 165 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे मुकेश सहनी। अगले महीने होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विकासशील इंसान पार्टी राज्य के निषाद समाज के सभी लोगों को एकजुट करने की तैयारी में है और जल्द ही मुकेश सहनी सभी 165 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाले हैं। इस बात की जानकारी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ने का काम उनकी पार्टी कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वीआईपी पार्टी का जन्म ही निषाद आरक्षण आंदोलन में हुआ, इसलिए यह अपने आदेश के अनुसार निशा जातियों को अनुसूचित जाति के मुताबिक आरक्षण अधिकार दिलाकर रहेगा। विधान परिषद की सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा में सुगबुगाहट हुई तेज।
बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार वाले 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए के भीतर खींचतान जारी है और इसे लेकर अब भाजपा के अंदर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस क्रम में बिहार से बाहर दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन गुरुवार को मुलाकात की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीते दिन की सुबह हुई इस मुलाकात में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई है। हालांकि संजय जायसवाल से मुलाकात को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि एक सांसद भी है, इस नाते डिप्टी सीएम उनसे मिलने आए थे और ये एक आम मुलाकात थी। वहीं विधान परिषद चुनाव पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि समय आने पर चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद ही भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुरानी के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र का 1999 में समर्पित किया गया। 1551 को मुगल साम्राज्य में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ। 1926 में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का जन्म हुआ। 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ जो कि हिंदी साहित्यकार थे। पुजारा रहाणे का जारी है खराब प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन यानी गुरुवार को 198 रनों पर वो सिमट गई थी, जिसके बाद भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 212 रनों का लक्ष्य रखा था। इस दौरान चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का एक बार फिर से खराब फॉर्म जारी रहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हैशटैग पुराने ट्रेंड करने लगा। पुजारा और रहाणे के खराब प्रदर्शन को देखते हुए यूजर भड़क गए और हैशटैग पुराने का इस्तेमाल कर मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। बता दें कि दोनों ने ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर से भारत को निराश किया। तीसरे दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले चेतेश्वर पुजारा 9 रन बनाकर मार्को जेनसन का शिकार हुए। इसके कुछ ही देर बाद अजिंक्य रहाणे महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। बिहार में जल स्रोतों का दरभंगा रोसड़ा पथ का निर्माण। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के दो प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाले रास्ते का निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। जो यहां आपको बता दें कि NH 527E दरभंगा रोसड़ा पथ निर्माण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा। बताते चले कि कुल 495 करोड़ की लागत से बिहार में NH 527E का निर्माण होना है, जो कि दरभंगा के रामनगर से शुरू होकर समस्तीपुर जिला होते हुए रोसड़ा तक जाएगा। इसका निर्माण दो लेन में होना है, जिससे उत्तरी बिहार से दक्षिण बिहार तक का सफर और भी आसान हो जाएगा। वहीं लक्ष्य के अनुसार 2024 तक यह काम पूरा हो जाएगा। पटना में जल्द लग सकता है टोटल लॉकडाउन। बिहार में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में हर दिन आ रहे मामले चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि राजधानी पटना हॉटस्पॉट बन गई है, जिसके बाद से ही पटना में संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बीते दिन जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने लॉकडाउन के संकेत दिए, जिसके तहत उन्होंने बताया कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है। लगातार अपील और निर्देशों के बाद भी लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में पटना में लॉकडाउन वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर आंकड़े ऐसे ही और लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से नहीं किया तो पटना में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नेहा सिंह, अरमान हर्ष, बबिता यादव, पप्पू कुशवाहा, महिपाल यादव, निशा सिंह, गौतम कुमार, मनोज कुमार, रवि कुमार, महिपाल सिंह, प्रेम कुमार, अरविंद कुमार, मनीषा कुमारी, विजय घायल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मुकाबले में मौजूदा हालात को देखते हुए किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।